अरे भाई वैसे देखा जाए तो T10 बहुत ज़्यादा रिस्की मुझे नज़र आता है। T10 का हालिया फॉर्म देखा जाए तो कुछ खास ठीक नहीं जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि T10 कवर ना कर कर बाकी में जो मैच प्रॉफिट जाए उनको कवर किया जाए। लेकिन जब आज सुबह उठ के देखा तो मैच कोई खास है नहीं, और T10 ही एक ऐसा है जहाँ पर 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज दिया गया है, तो 1 करोड़ को देखते ही मन तो पिघल जाता है, चाहे मैच रिस्की हो चाहे जो हो। थोड़ा सा अंदर से मन करता है कि भाई एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो इस T10 मुकाबले को मैं कवर करने के लिए आया हूँ, बाकी वीडियो की तरह नहीं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मैं जोर देने वाला हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा मैं एनालिसिस करने वाला हूँ और कुछ खास चीज़ें बताने वाला हूँ जो कुछ बड़ा धमाका हो जाए। छोटा धमाका तो ज़िंदगी भर हो ही रहा है, लेकिन बड़े धमाके की तलाश है। इसी तलाश में फिर से एक बार अपने माइंड को सही करते हुए, हौसला बुलंद करते हुए मैं चल पड़ा आप लोगों के लिए एक शानदार वीडियो लाने के लिए। तो मेरे भाई सबसे पहले हमारे प्यारे भाई, अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाहते हैं और 1 करोड़ रुपये वाले पे कुछ अगर यदि आपकी लालच है, कुछ पाना चाहते हैं, तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ही मिलेगा आपको फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ। इनके अलावा व्हाट्सअप चैनल पर भी मिलेगा और GL का टीम, पिच रिपोर्ट, सारा कुछ टेलीग्राम पर ही मैं देने वाला हूँ। जी हाँ मेरे भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर वीडियो के फर्स्ट कमेंट जो होता है वहाँ पर लिंक होगा, ब्लू कलर में सौरभ सामाजिक 84, उसी पर क्लिक यानी टच करोगे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल। 54,000+ लोग जुड़े, यहाँ पर आप आसानी से जुड़ सकते हो, बिल्कुल फ्री में टीम वगैरह हर अपडेट लेकर जाओगे। तो मेरे भाई यहाँ से इंडियन CCV की टीम देखा जाए तो यहाँ से जो है CCC की टीम को हरा देती है, जहाँ पर CCC की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग नज़र आती है। अहमद घानी 1 ओवर में मार खाता है लेकिन विकेट ले जाता है। के सिंह कैप्टन, BC का तगड़ा लाजवाब चॉइस होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल टीम का ये प्लेयर है। एफ सम्स की बात की, डोमेस्टिक रिकॉर्ड इनका ठीक ठाक लगा, तो इस वजह से मैंने अपने टीम पे लेने का प्रयास किया और आप भी इन्हें ले सकते हो। एस लुथरा की बात की, 2 ओवर में 38 रन दे देता है, विकेट लेस यहाँ से चला जाता है। के जोशी यहाँ से 2 ओवर डालता है, 1 विकेट ले जाता है, यहाँ से आई साफी विकेट लेस जाता है। के सिंह फिर से 69 का योगदान देता है, MCMA 23 ले जाता है, MCMA भी इंटरनेशनल टाइप का प्लेयर है, हालांकि आपको सिर्फ विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखाई देगा। एन हुसैन को फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि कमाल का प्लेयर है, कैप्टन BC का तगड़ा चॉइस होगा, लेकिन ना इनसे गेंदबाजी कराया गया और बल्लेबाजी कराया भी गया तो भाई बहुत नीचे भेजा गया। फिर हमारी सोच के अनुसार एन हुसैन को थोड़ा सा ऊपर भेजा जाता है, साथ में गेंदबाजी भी कराया जाता है। एन हुसैन को यहाँ से 3 बल्लेबाज आउट होते हैं, इनको भेज दिया जाता है। यहाँ पर भी इनका बैटिंग मुझे सही नहीं लग रहा भाई, 13 में 38 मारकर नाबाद ही रहा, थोड़ा सा इनको ऊंचा आना चाहिए, 1 डाउन हमें लगता आना चाहिए, MCMA और के सिंह को ओपन करना चाहिए। खैर T10 में ज्ञान देकर मुझे नहीं लगता फ़ायदा है, बॉलर भी ओपन आ जाता है। तो यहाँ से अहमद घानी को प्रमोशन मिला लेकिन उनका फ़ायदा नहीं उठा पाया, और इस तरह से के सिंह हमेशा की तरह गजब खेल गया। गेंदबाजी देखोगे तो एन हुसैन से इस बार गेंदबाजी कराया गया, 3 सफलता ले गया के सिंह, 2 सफलता। के जोशी यहां से मार खाकर चलते बने। अहमद घानी 2 विकेट, साथ में ओपन आने का भी मौका मिला था, हालांकि कुछ किया नहीं। एफ सम्स यहां से 1 विकेट ले गए, जो कि डोमेस्टिक का प्लेयर है, किन्हीं ने इनके ऊपर बात नहीं किया था लेकिन मैंने आपको बताया भी था, टीम पे भी दिया था कल। एस लुथरा एक स्पिनर है, अगर यदि इनकी टीम बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करती है तो एस लुथरा गजब का विकेट ले जा सकता है, वरना सामने की टीम के चपेट में आया तो भैया ये -2 देकर भी जा सकता है या फिर कंप्लीट ओवर भी नहीं कर सकता है। मेरे भाई यही बात क्या, DST की टीम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, हालांकि सामने की टीम भी कम नहीं है। इकबाल हुसैन की उत्तमा जाई को यहाँ से ओपन भेजा गया, देखो इनका ओपनर जो है ना मुझे फिक्स नहीं लग रहा है, बस यही डर है कौन ओपन आएगा, सामने वाली टीम का भी ओपनर बस फिक्स नहीं, वेटिंग लाइनअप जो इनका ना फिक्स होता नहीं है। हालांकि गेंदबाजी देखोगे तो यहाँ से देखोगे एस जदरन कमाल का डेथ गेंदबाज है, आई साफी दोनों चीज़ ये भी करने की क्षमता रखता है, हालांकि इंटरनेशनल गेंदबाज है। आई दीदार ये भी ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल गेंदबाज है, MCNWARY को मौका मिला, ठीक ठाक रिकॉर्ड है। ये अहमद जाई स्टार ऑलराउंडर है, लेकिन जिस तरह से इनको मौका मिल रहा है गेंदबाजी बल्लेबाजी में, स्टार नहीं बल्कि फ्लॉप स्टार नज़र आ रहा। सफीउल्लाह की बात किया, फर्स्ट मुकाबला में हमने पिक किया और ये इन्होंने ट्रंप कार्ड की भूमिका निभाकर भी हम लोगों को दिया था, हालांकि यहाँ पर देखोगे 1 ही ओवर इनसे कराया गया। वहीं बात की जाए मेरे भाई दूसरे मुकाबले की, तो यहाँ से गेंदबाजी फिर से करता है आई साफी एस जदरन, 2-2 सफलता ले जाते हैं।
इनके अलावा ये सफीउल्ला की बात करिए, ये भी 2 विकेट ले जाते हैं। आसिफ जजाई यहाँ पर 2 ओवर कराया जाता, हालांकि विकेट ले जाता, फिर ओपन भेजा जाता है, लेकिन इसके बाद आसिफ जजाई को ना गेंदबाजी कराया जाता है ना ओपन भेजा जाता है, कुछ मैच में खेलते भी नहीं हैं। इकबाल हुसैन लगातार ओपन आ रहा है, गजब का प्लेयर है, अगर यदि ये गेंदबाजी करता तो लाजवाब पिक। वैसे क्रिकेट करियर में गेंदबाजी ना ही करता ये, लेकिन हार्ड हिटर तो है। तो मेरे भाई आप चलिए थोड़ा सा 1 करोड़ के ऊपर कुछ कॉम्बिनेशन का जरिए समझते हैं, लेकिन इससे पहले यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इनके अलावा कोई जानकारी लेना हो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। देखो मेरे भाई सेफ प्लेयर की बात किया, इकबाल हुसैन यहाँ से सेफ प्लेयर की सूची में आता है, के सिंह यहाँ से आता है, एन हुसैन अब आने लगा, अहमद घानी को जिस तरह से ओपन भेजा गया तो क्या फिर से ओपन आएगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आई दीदार, एस जद्रन, आई साफी, ये 6 प्लेयर देख रहे हो ना मेरे भाई, ये फिक्स प्लेयर हो गया, हमें नहीं लगता किसी टीम से ड्रॉप करना चाहिए। अब यहाँ से देखो अगर ये लास्ट मैच के आधार पर देखोगे तो ओपन और साथ में 2 ओवर, तो ये घानी भी यहाँ से अब फिक्स हो गया। लास्ट मैच को देखते हुए, लास्ट मैच को देखते हुए यहाँ से क्यों उत्तमा जाई को ओपन भेजा गया, ये भी फिक्स हो गया, 8 प्लेयर लास्ट मैच को देखते हुए, लेकिन कुछ भी कहना सही नहीं लग रहा। अब देखो बल्लेबाजी सेक्शन में कोई खास है ही नहीं, ये जजाई अगर यदि खेलता है तो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर लेता है, तो क्या एक मुकाबले इनसे 2 ओवर और ओपन भेजा गया है, अगले मुकाबले इनसे कुछ नहीं कराया गया, ना गेंदबाजी ना बल्लेबाजी, तो आप कैसे विश्वास करोगे कि ये हम लोगों के लिए बढ़िया साबित हो जाएगा। ए अहमद जाई को देखा जाए लास्ट में जो 1 ओवर कराया गया, अब हो सके इनको ज़्यादा मौका मिल जाए, तो ए अहमद जाई और सिग्वाल और ए जजाई, ये 3 में से किसी एक को पिक करना ही पड़ेगा। अब किनको ज़्यादा मौका मिलेगा, आर सिग्वाल भी ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल प्लेयर है भाई, लेकिन मौका ज़्यादा नहीं मिल रहा है, पार्ट टाइम गेंदबाजी वो भी कर जाता है, फर्स्ट मुकाबले के आधार पे ये जजाई का सिलेक्शन थोड़ा हाई बन जाता है और लास्ट मैच के आधार पे ये अहमद जाई का सिलेक्शन बन जाता है, बड़ा यहाँ लोचा है। अब यहाँ पर देखोगे एम शेनवरी भाई किधर हो, लास्ट मैच में ये 2 ओवर कर जाता है, तो क्या इनके साथ जाना चाहिए या फिर पहले मुकाबले में बढ़िया किया लास्ट मैच में 1 ओवर डाला, ये भी ठीक ठाक कर सकता है। के जोशी ये भी ऑलराउंडर के रूप में खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रदर्शन बॉलर की तरह दिखा कुछ खास नहीं, ये भी 2 ओवर करने की क्षमता रखते हैं। लास्ट मैच में एस लुथरा जो कि एक बढ़िया स्पिनर इन्होंने किया, तो हमारा करना है, हम जो GL का टीम बनाने वाले हमारा यहाँ पर रोटेशन होगा, कैसे रोटेशन होगा, मैं यहाँ से मेहरान सीमा को पिक करूँगा जो कि 100% बल्लेबाजी ऊपर आएगा, के सिंह हमारा कैप्टन हो गया, इकबाल हुसैन भी, ये सब के साथ ऐसा होने वाला, लेकिन एन हुसैन को जिस तरह से मौका मिला गया, जब मिलता है तो एन हुसैन ही बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एम चीमा को एक टीम पे ऐसे मैंने टीम बना दिया, सेम कैप्टन भी रखकर एम चीमा को ड्रॉप करूँगा, हमारे जहन पे लगे जिनको मैं उनको पिक कर लूँगा, लगा के जोशी को, देखिए जोशी को पिक कर लूँगा एम चीमा की जगह, 2 टीम हमारा हो जाएगा, लगा यहाँ से सफीउल्ला को पिक करूँगा, इनको पिक करूँगा, 3 टीम हमारा हो जाएगा, शनवारी लगा तो शनवारी को पिक कर लूँगा, ऐसे करके मैं सबको जिनको जिनको लगेगा पिक कर लूँगा, फिर एक टीम में मैं करूँगा कि एम चीमा ठीक ठाक है जिनको लग रहा है, तो यहाँ से आप एस लुथरा ज़्यादा ओवर नहीं करेगा तो इनको ड्रॉप करके मैं फिर से एक एक बार करके सबको ट्राई करूँगा जो जो मन करे, फिर किन्हीं को लग रहा है कि यहाँ से अदर कोई जैसे है ये घानी को ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा या कुछ, तो उनके जगह कर लो, या फिर यहाँ पर सामंजस्य की स्थिति है तो जितना टीम बना उतने टीम पे एक बार एस जजाई को ड्रॉप करके आर सिग्वाल डाल दो, फिर एक बार ए अहमद जाई को डाल दो, तो ऐसा करके बहुत सारा टीम बनेगा, सेम कैप्टन भिजी रखकर। कैप्टन भिजी के ऑप्शन की बात की जाए तो मेरे भाई ये 2 यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इनके अलावे यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, ओपन आया तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बाकी यहाँ से इस जद्रन आई साफी भी इम्पोर्टेंट है, अगर यदि दोनों को प्रमोशन मिलता है बल्लेबाजी में तो बल्लेबाजी, और साथ में 2 ओवर गजब का करता है, इंटरनेशनल प्लेयर है। फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ छोटा जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे पाया, और 1 करोड़ के रुपये वाले लीग पे आप एक बहुत बड़ा हल्ला बोल सकते हो, थोड़ा सा नॉलेज लगाओगे तो।